शिवपुरी से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां की एक अनोखी चोरी इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल इस पूरे मामले में जो वीडियो सामने आए हैं वो बेहद दिलचस्प है, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां के खनिया धारा क्षेत्र में ऐसी चोरी हुई जैसी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, ये व्यक्ति दरअसल चोर है, लेकिन चोरी करने से पहले अब इनको क्या सूझी कि वहां पर डांस करने लगे ये, और इत्मीनान से लगता है कि चोरी करने आए थे बिना किसी डर के। और आपको बता दें कि इस चोर ने पहले गुटखा खाया वहां पर, उसके बाद डांस किया, और उसके बाद इसने ताला तोड़ने के बाद इत्मीनान से वहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक चोर ने दुकान से नकदी और लैपटॉप समेत हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी चर्चा हो रही है। ये व्यक्ति आता है वहाँ पर, ताला तोड़ता है, उसके बाद गुटखा खाता है, उसके बाद इत्मीनान से डांस करता है, और फिर वहाँ पर जो नकदी थी, जो कैश रखा हुआ था, जो लैपटॉप रखा हुआ था, उस पर ये हाथ साफ कर देता है। ये तस्वीरें देखिए, अब ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि ये डांस करने लगा, और ये जो वीडियो सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि दबे पांव चोर आते हैं, लेकिन यहाँ तो ये मजे से डांस कर रहा है, गुटखा खा रहा है, किसी चीज़ का इसे डर नहीं है यहाँ पर। अब पुलिस का ये कहना है कि इस वीडियो के आधार पर इस चोर की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ऐसी चोरी शायद ही कभी आपने देखी होगी। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस जांच की बात कर रही है। हमारी दुकान गुड़ा रोड पे स्थित है। हमारी दुकान पर कल रात को एक, हमारे कैमरे में दिखा है, एक व्यक्ति आया है, उसने हमारे नीचे टाइल्स वाली दुकान में चोरी करी, ऊपर आके उसने ऑफिस में चोरी करी, नीचे से लैपटॉप, हमारे पूरे माउस, कैमरे, डीवीआर सब तोड़ के गया। पूरे ऑफिस में उसने थूका, डांस करा, और हमारी डायरी, बही खाते, सब चीजें लेके गया है। उक्त रिपोर्ट पर से तथा सीसीटीवी कैमरे में भी उस आरोपी के फुटेज आए हुए हैं, जिसे हमने पहचान लिया है। उसका नाम गोलू यादव है। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 6/23 धारा 457-380 कायम कर लिया है। पुलिस टीम आरोपी को तलाश में भेजी है। तत्काल उसको पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर उसे लैपटॉप जब्त किया जाएगा। के दुबे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। के, किस रूप में इस व्यक्ति की पहचान हुई है जो इतने इत्मीनान से चोरी की घटना को वहां पर अंजाम दे रहा था? जी, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनके आधार पर उसकी पहचान कर ली गई है, और उसका नाम भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, और अब पुलिस कह रही है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया ही जा रहा है कि ये कहीं आसपास का ही कोई रहवासी है जिसने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया है, इसलिए पुलिस ने उसको पहचान लिया है और उसको तत्काल बहुत जल्दी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जी के, इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसको पकड़ने के लिए अब क्या कोशिशें हो रही हैं पुलिस की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का ये कहना है कि हमने इसको गिरफ्तार करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए एक दल रवाना कर दिया गया है, और जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद इस पर जो भी चोरी की घटना की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, पकड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इसे पकड़ने की बात कही जा रही है, इसकी पहचान कर ली गई है।